हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम गोवा आए हैं, फगवाड़ा नहीं आए हैं। क्या चल रहा है? हाय, थैंक यू बच्चा जी। सच्ची मैं बताऊं, मैंने कब से मन्नत मांगी थी कि अगर मैं गोवा जाऊंगी ना, तो गोवा के पवित्र समुंदर में मैं डुबकी लगाऊंगी। तरह सोच समझ के, पता है समुंदर कितना गहरा है, कि मन्नत के चक्कर में जन्नत ही ना पहुंच जाओ। कितना प्यार करते हो ना आप मुझे। प्यार व्यार नहीं करते, मजबूरी है यार। क्या कि 11 बच्चों के बाप को दूसरी बीवी आसानी से मिलती नहीं है। प्रॉब्लम है। थोड़ा इधर करो। हाँ। क्या कर रही हो? क्या मजबूरी है? थोड़ा कंट्रोल में रहो, वरना न कल गोवा के अखबार में खबर आएगी कि एक पत्नी ने गोवा बीच में अपने पति को बीच से चीर दिया। मुझे पसंद है मजाक। छोड़ो छोड़ो। दीदी। अरे दीदी दीदी दीदी, क्या कर रही हो? अरे यार। अरे जीजू दीदी, हम गोवा आए, इतनी रोमांटिक जगह आके आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? ओहो सुन, अगर तेरे जीजा जगह देख के रोमांटिक होते ना, तो आज हमारा एक ही बच्चा होता। सच्ची कह रही हूँ, अभी हमारा नाला व्यू है तो 11 बच्चे हैं। सोचो अगर सी व्यू होता तो ऐसे करके इकट्ठे करने पड़ते। थैंक यू तितली फॉर योर 11 अप्रिसिएशंस। बच्चा जी चलो ना, वो लकड़ी के फट्टे पे ऐसे लेट के गोवा के समुंदर का लुत्फ उठाएं। नहीं नहीं नहीं, फट्टे पे नहीं, फट्टे में कहीं अगर हमारा टांग अटक गया तो लोग कहेंगे कि दूसरे के फट्टे में टांग अड़ा रहा है। जहाँ मेरी बुरी वहाँ उसका बुरा। ओ भूरी के भूरे। ज्यादा बोले ना तो भूरे से नीला कर देंगे। एक चंदू, तुम एक टीसी के कपड़े पहन के क्यों गोवा में घूम रहे हो? ओ हेलो, मैं अंग्रेजों की तरह भूखा नंगा नहीं हूँ जो कच्चे बनियान में आ जाऊंगा। भारत का मैं अमीर नागरिक हूँ, रिच मैन। भूरी छोड़ो इनको, आ हम गोवा के हॉट बीचेस देख कर आते हैं। एक मिनट, अगर तुम्हें हमारे साथ घूमना है, सबसे पहले जाके अपने कपड़े बदल कर आओ तुम। भूरी तुम्हारे लिए तो मैं अपने मम्मी डैडी बदल सकता हूँ। हाँ तो करो। आज तक हमें लगता रहा कि तुम भाईयात आदमी हो। हाँ। आज पता चला कि तुम महाभाईयात आदमी हो। ए बच्चा, तुम आयो गोवा इसलिए मैं तुम्हें चिल करने दे रहा हूँ। अगर तुम कुरुक्षेत्र होते ना, तो तुम्हारे क्षेत्र में मैंने ना कुरकुर कर देना था। भूरी मैं चेंज करके आता हूँ, तुम रेडी रहो। क्या बोल कर गया ये? हमें कबूल है। कबूल है? ओए इधर आ। मुझे भी कबूल है। हमें भी कबूल है। एक मिनट, ये क्या कबूल है लगा रखा है? अरे तो हम तो बस तुम्हारी बहन को छेड़ रहे थे यार। पहला जीजा है साली के होते हुए बीवी को छेड़ रहा है। साली,
जरा गौर से देखिए इस साली को। नहीं 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 नहीं, ज्यादा गौर से मत देखिए, कहीं आपका मूड खराब ना हो जाए। इस लड़की को इसका खुद का पति ना छेड़े, जीजा क्या छेड़ेगा। सर अब गुस्सा छोड़िए, अब गोवा है, चिल कीजिए। गुस्सा छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आपके लिए गुस्सा पी लेते हैं। गुस्से को तो हम पी गए, अब चिल कहाँ करना है बता दीजिए। मैं बताती हूँ कहाँ मिलेगी। आप अंदर आओ जरा, आपकी गर्म सांसें मैं बंद करती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तो पूछ रहे थे। ये हार उतार हाँ, और मच्छर लड़ेंगे ना जब पता लगेगा। हाँ ये हुई ना, चलो। अरे हम बताओ अरे जा रहे हैं। हेलो, क्या कहा? कच्चा गैंग वाले फॉरेनर का कच्चा उतार के ले गए। ओफो अर्चना जी, ये अगर मुझे कच्चा गैंग वाले मिल गए ना, इनको मैंने तार पे सूखने ने डाल दिया तो मेरा नाम भी शमशेर नहीं। बड़ा तंग किया हुआ इन्होंने। अच्छा होटल से शैंपू तौलिया वगैरह साबुन वगैरह हाँ। ये तो चलो आप भी उठाती है, पर ये बदतमीज लोग देखो टूटी खोल के ले गए हाँ। और आम टूटी नहीं, वो जेट स्प्रे होता ना बोले वो वाला। और मेरे को शेव करनी थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा फुहारा कहाँ से लाऊं। वो तो अच्छा हुआ वो वेटरेस आ गई लड़की हाँ। मैंने कहा मेरे मुंह पे छींक मारो, मुझे झाग बनानी, नहीं तो कमाल हो रहा है। आई एम कंफ्यूज। God is so kind. बहुत बहुत मुबारक हो सोनी टीवी की तरफ से आपको। क्यों? इधर मेरा मुकेश खो गया है और आपको इधर मजाक सूझ रहे है। तो कोई बात नहीं, गोवा है, थोड़ी देर के लिए किसी और को बॉयफ्रेंड बना लो। नहीं, मुकेश से पहले मैंने 5 लोगों को बॉयफ्रेंड बनाए ले। हाँ, एक तो उसमें से सांस भी लेता है, जिंदा है। लेकिन मेरे को सिर्फ मुकेश ही लगेगा इंस्पेक्टर साहब। मुकेश ढूंढो ना मेरे लिए प्लीज। तुम्हारा डिजाइन देख के मेरे को वैसे तो आइडिया थोड़ा बहुत लग गया है कि मुकेश कैसा दिखता है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए जरा बता दो कि उसका हुलिया कैसा है। बहुत अच्छा था मुकेश। अच्छा, पहली नजर में हम लोग को प्यार हो गए थे, दूसरी में इकरार, और तीसरी में वो फेल हो गया था, इसलिए उसको स्कूल से निकाल डाला। लेकिन उसने मेरे को दिल से नहीं निकाला इंस्पेक्टर साहब, मेरे को प्लीज मुकेश ढूंढो ना। आप ढूंढो कि ना, मैं आपको फ्री में मसाज देगी। फ्री में मसाज तो हम वैसे ही ले लेते हैं, ये पास बना हुआ ना हमारा। एक बात बताओ, जब वो गुम हुआ लास्ट टाइम उसने क्या पहना हुआ था? हाँ, वो इधर क्या पहनते वो? टाई नहीं, उसके पीछे क्या पहनते? शर्ट। हाँ, और शर्ट के साथ क्या पहनते? पैंट। हाँ, ये तीनों चीजें उसने नहीं पहनी थी, सिर्फ कच्चा पहने लेता उसने। तेरा मैंने तरबूज जैसा मुंह तोड़ देना तेरा। पुलिस के साथ मजाक कर रही, सीधा नहीं बता सकती थी कच्चा पहना हुआ उसने। हाँ तो हमारा फैमिली शो, इधर हम सीधी बात नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ढूंढ दो ना उसको, वो बेचारा कच्चे में किधर किधर घूम रहा होगा वो। तो मेरे हिसाब से कच्चे वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही कच्चा गिरोह चला रहा है। मिल गया तो 10 साल के लिए अंदर, इस समय कहाँ होगा वो? कच्चा गिरोह चला ले रहे वो 10 साल के लिए अंदर होगा। माय गॉड, अब क्या करूंगी मैं? बुरी बुरी बुरी, मैं आ गया। बुरी बुरी बुरी, कच्चा प्लस आदमी प्लस चोर जैसी शक्ल वाला आदमी इज इक्वल टू कच्चा गिरोह। ओ, यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुकेश को बचाने का इससे अच्छा आइडिया नहीं मिलेगा मेरे को। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। सोना, ए सोना बीबी, कहाँ थी तुम? सपना, तुम मेरे भाइयों जैसी हो, तुम मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो गया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे सोना, सबूत तो शादी के बाद आते हैं ना। इधर आओ।
इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। साले कच्चा गिरो चलाता है? सर मैं तो ढाबा चलाता हूँ जी। कोड वर्ड है वो, कोड वर्ड। हाँ वो कच्चा गैंग ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकती ना। ओ ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के साथ कोड वर्ड में बात, ढाबे की आड़ में कच्चा गैंग चलाते हो, नोट किया जाए। हाँ नोट किया, कच्चा गैंग चलाता है, नोट किया। सर अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ मुंबई चलिए, उधर मैं आपको अपना ढाबा दिखाता हूँ। अच्छा मुंबई जाके लोग अमिताभ बच्चन का घर देखते, कटरीना कैफ देखते, मैं तेरा ढाबा देखूं, नोट किया जाए। हाँ नोट किया। ये क्या बार बार नोट करो, मैं आपकी कोई सेक्रेटरी नहीं लगी इधर, बार बार नोट करेगी आपका। जैसी तेरी शक्ल है तू सेक्रेटरी लग भी नहीं सकती, आधा लीटर तेल ले जाके अंग्रेजों की मसाज कर, चल। अरे वाह साहब एकदम सही पकड़े, मेरा उधर मसाज पार्लर ही है। देखा कानून की जजमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कच्चा गिरोह का सरगना है, चल भी 6 साल के लिए अंदर। कौन सा सरगना सर, सपना बताओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो सुबह मुझसे मीठी मीठी बातें कौन कर रहा था? वो तो मैं तुमसे पूछ रहा था चाय में मीठा कितना लोगी। हाँ तो वो मेरे को किसने बोला था मांग में सिंदूर कैसे डालते है? कौन सा मांग कौन सा सिंदूर, मैं तो ये पूछ रहा था करेले में मसाला कैसे भरना है। अच्छा अभी मेरी मांग तेरे को करेला में नजर आ रही है। इंस्पेक्टर साहब मेरा प्यारा अधूरा रह गया। प्यारा अधूरा रह गया, पुलिस आ गई थी। एक सेकेंड चंदू, सुबह मेरे पीछे पड़े थे, अब इस सपनुली के साथ। बुरी हमारे बीच में कुछ नहीं है। बकवास करता है, तुम दोनों के बीच में मैं हूँ। मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो इसके साथ घूमने के लिए आ रहा। बुरी बताओ इनको, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ घूम रहा है और तुम खड़े मेरे मुंह देख रही हो। हाँ तो ये कौन सी जेनिफर लोपेज है, ये तो झिंगी के साथ ही जा रहा है घूमने के लिए। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस तोती के साथ घूमने जाए, इसका मतलब तुमने मुझे झूठ बोला था। नहीं नहीं मैं, 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 मेरे को फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर साहब, यही ही मेरा बॉयफ्रेंड है सोना बेबी। सने तेरा इसके साथ भी चक्कर है? इसके साथ भी नहीं, इसके साथ ही चक्कर है मेरा। एक सेकंड, इसका मेरे साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। एक मिनट, कंफ्यूजन बड़ी कर दी तुम लोगों ने, ये तुम्हें कैसे जानता है? ये मेरा पड़ोसी है, मेरे पीछे पीछे गोवा आ गया है। नहीं ये मेरे पीछे पीछे गोवा आ गया है, समझे? चंदू तुम इसके बॉयफ्रेंड कब से बन गए? मुझे तो ये नहीं पता चल रहा मैं किसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसका हूँ या इसका हूँ। ये मुझे घास नहीं डालती और ये बिना वजह रोटियां बना बनाकर मुझे डाली जा रही है। मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि रोटी खा लो। और सुनो मेरी बात, तुम इधर हो जाओ, कोई दाल समझ के तेरे साथ चपाती ना खा ले, चलो। तुम इसकी रोटी खा लो, रोटी खाने से हड्डियां मजबूत होती, फिर तोड़ने में बड़ा मजा आता है, फिर जो कट 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 की आवाज आती है ना, ये आवाज जो है, फिर ये जो इंडियन आइडल वाली जो है ना नेहा कट 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 उसके तक पहुंचेगी। बुरी इनको बताओ कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं, नहीं तो ये मेरे को जेल में डाल देंगे। अरे क्यों तू इस पे डोरे डाल रही है, क्यों सपनुली? अब तो सिर्फ डोरे डाली, बाद में बोरे डालेगी, फिर कंबल डाल के कूटेगी मैं इसको, समझी? ओए तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो? नहीं सर हम कानाफूसी नहीं, हम फूसी काना कर रहे थे। देख फूसी काना। मेरे को बड़ी हंसी आई, सुनो मेरी बात, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मुंह उठा के किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लो। अब तुम अपने सही गेटअप में आए हो, कच्चा बनियान चंदू का मुंह ये तुम्हें सूट करता है, करेक्ट ये है। तुम भी पूछ लगाकर अपनी भैंसे वाली लुक कंप्लीट करो। देखो यार हम बच्चा हैं इसलिए बार बार हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे ना? सपना है? तुम भी यहाँ आ गई यार, अगर तुम यहाँ पर हो तो हमारे मोहल्ले में कौन है वहां पर, और कहीं हमारे मोहल्ले को खाली देख के इंडियन आइडल वाले हमारे मोहल्ले पे कब्जा ना कर ले। और नहीं करते तो अर्चना जी चौकीदारी कर रही है, वो तो सिद्धू जी को नहीं घुसने देती, इंडियन आइडल वालों को कहां से घुसने देंगी। अच्छा सपना यह है गोवा में तुम आई क्यों हो?
मैं गोवा आई तो तेरे बागा बीच में इतना क्यों दर्द हो रहा है? ओए, अपनी बकवास बंद करो। पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से ये किसका बॉयफ्रेंड है? सिंपल सर, मेरा बॉयफ्रेंड है। ए, 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 एकदम झूठ। अरे हमें पता है तुम्हारा सिर्फ एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम है मुकेश। सर हम आपको बताते हैं, ये मुकेश नहीं है, ये है चंदू। और ये जो है ये हमारी साली पे लाइन मारता रहता है और हमारी साली जो है वो इसे डंडा मारती रहती है। That's all my lord. लेडीज होके जेंट्स पुलिस के साथ झूठ। अभी मैं अंदर जाता हूँ, साड़ी पहन के आता हूँ, फिर तुम्हें पीटता हूँ। सॉरी साहब, क्या है ना, मैंने मुकेश को कभी गोवा में नहीं देखा ना, तो मेरे को मालूम नहीं वो गोवा में कैसा दिखता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तेरी कंफ्यूजन के चक्कर में मेरा फ्यूज उड़ने वाला था सपना। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कमिश्नर साहब, कुतरा सपना। चलो भाई, केस सॉल्व, मुबारक हो, जल्दी जल्दी ठंडी बियर मंगाओ। हम मंगाए फिर हम। बधाई हो, बधाई हो, गॉड इज सो काइंड। हुआ क्या, क्या हुआ? सब चोरी हो गया, शैम्पू, तौलिया, फ्रिज, गैस और वो चाय बनाने वाली केतली, सब कुछ वो ले गया। नहीं लेकिन तितली, ये सारी चीजें तो हम लाए नहीं थे साथ में। अरे मैंने होटल से पैक की थी ना। आपको शर्म नहीं आती है हमारा सामान चुराते हुए? चुराया थोड़ी है, वो तो मैंने गोवा की निशानी समझ के रख लिया था। यहाँ तक कि चोर हमारे बच्चों के डायपर भी ले गया। क्या? हाँ। चोर हमारे बच्चों के डायपर ले गया? हाँ। तो आप देखना, वो चोर एक दिन बड़ी गीली और पीली मौत मरेगा। वैसे हमें बताओ, दिखता कैसा था ये चोर? वो एक मिनट, ये वर्दी तुम ही पहन लो, सारे सवाल तो तुम ही पूछ रहे हो। मेरे को चूड़ियां पहना लो, ऋषि कपूर को बुला लो, मेरे हाथ में नौने चूड़ियां करूंगा। है कहीं बेवकूफ आदमी कहेगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मजाक सूझे, यहाँ हमारा सामान चोरी हो गया है। एक मिनट, बड़ा चिल्ला के बोल रही है, तेरा कौन सा सामान था जो चोरी हो गया है? एक सेकेंड, आप लोगों का सामान नहीं, मेरा सामान चोरी हो गया आप लोगों की वजह से। अरे तो आपका नुकसान तो हम भर देंगे ना। भर देंगे, अगर भरोगे तो भर भर के मार खाओगे मेरे से। Shut up! इसके hey! दिमाग खराब करके रख दिया मेरा, आधा दिमाग मेरा वो कच्चा गैंग ने खराब कर दिया, आधा इन्होंने, टोटल मेरा एक दिमाग खराब हो गया। ऊपर से सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई अभी तक, चले जाओ यहाँ से मार मार के मैं फट। अरे अरे तो हमारी क्या गलती है, बोनी नहीं हुई। चुप, कोई नहीं बोलेगा। वो देखो स्कूटर पे मेरा 500 रुपया आ रहा है। ओए, गाड़ी रुक। ओ सर, आपको लिफ्ट नहीं दे सकते, टू व्हीलर पे 3 लोग अलाउड नहीं है ना। सीट बेल्ट कहाँ है जो ऐसे लगी होती है? सर टू व्हीलर पे सीट बेल्ट कहाँ होता है? नहीं होता। कहाँ होता है वो? तो सर कार में होता है ना, है ना? कार में होता है? हाँ। तो कार क्यों नहीं लेके आए? अब मैं किस चीज का चालान काटूं? अरे इंस्पेक्टर साहब, इसका हेलमेट कहाँ है? शट अप! हेलमेट कहाँ है? ये तो हेलमेट भी है इसके पास, अब किस चीज का चालान काटूं मैं? पर इसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ है। शट अप! हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तुम लोग बोलते हो उसको आइडिया मिल जाता है। कोई भी आइडिया देना है मेरे कान में देना है, जोर से नहीं बोलना, ठीक है? नंबर प्लेट कहाँ है इसकी? नंबर प्लेट कहाँ है इसकी? इसकी नहीं उसकी, इसकी नहीं उसकी। सर उसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, पीयूसी भी नहीं है, इंश्योरेंस भी।
मेरा थप्पड़ तोड़ दिया तूने, तेरा बेड़ा घर को उधर इसको। साहब सुनिए सुनिए साहब, अरे कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पास आपके लिए कुछ है। क्या? धीरे बोलने वाला आइडिया काम कर गया। वेरी गुड गाइस, हैव ए सेफ लाइट, गो सेफ। सर कच्चा गैंग, कच्चा गैंग, कच्चा गैंग। हाँ हाँ सर, हाँ सर। टाटू टाटू सिम टाटू। ओ टांगों पे कल्स डलवाए हैं। उसने 500 दिए, तेरा कहाँ है? एनीवेज गाइस, ये जो तूने पीछे टैटू बनवा रखे ना, ये सेम कच्चा गैंग ने भी बनवा के रखे हैं, कहीं गलती से तुम मत पकड़े जाना। चलो निकलो शाम। अरे सर, टैटू नहीं है, वही कच्चा गैंग था। तो तब क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो बताने का कोशिश कर रहे थे आप, हमें सेटअप सेटअप कर रहे थे। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भागना बड़ा फेमस है, सीधा पकड़ लेते हो तो उसमें बहादुरी कहाँ है? भाग के पकड़ेंगे, कौन कौन भागेगा मेरे साथ? तुम तो रहने दो, मैं तुम इसके ऊपर बैठ जाओ, तुम मेरे साथ भागो। चलो चोर पकड़ा गया ठीक है, नहीं तो एक दूसरे को पकड़ेंगे। चलो चलो चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।